हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केरला T20 ट्रॉफी की बात करेंगे, जो कि मैच होगा DCA कोल्लम और DCA त्रिचूर के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर करते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देखते हैं और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देखते हैं कि कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करेंगे। इसके साथ यहाँ से आपको बुखाती T20 के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ यहाँ पर ECA Stadium और भी कई सारे टूर्नामेंट के वीडियो मिलते रहेंगे। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और इसके साथ साथ यहाँ से फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको वीडियो की अपडेट, लाइनअप की अपडेट, बैटिंग ऑर्डर, इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्लेयर आखिर में होते हैं इनके रिकॉर्ड वगैरह स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना रहेगा। बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी ये जो मैच होने वाली है यहाँ पर सुबह में 9 बजे होगी, ST Xavier कॉलेज ग्राउंड टुंबा इंडिया में खेला जाएगा, जहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल इक्वली सपोर्टेड है, लेकिन रन यहाँ पर अच्छे बन रहे हैं। शुरुआत की मैचेस में यहाँ पर 170-180 के साथ यहाँ पर कई बार 200 भी बने हैं, एवरेज एक्सेप्टेबल यहाँ पर 140-150 के आसपास यहाँ पर एवरेज मस्ट स्कोर बनते हुए नजर आ सकते हैं। चेजिंग की बात की जाए तो अभी तक 24 मैचेस खेलेगी, जिसमें से 13 मैच चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है। यहाँ पर ज़्यादातर चेज होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बड़ा स्कोर करते हैं, यहाँ पर देखो 170 या इससे प्लस में रन बनते तो आपके लिए एक डिफेंडेबल स्कोर माना जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर KOL की, एक मैच खेली और जीत करा रही। ओपनिंग में कौन आए थे? राहुल शर्मा और इनके साथ यहाँ पर अतुलजीत एम अनु ने ओपनिंग करवाया था। अभी यहाँ से बात की जाए राहुल शर्मा की, तो राहुल शर्मा यहाँ पर बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवाएंगे। लास्ट मैच में ओवर्स करवाए नहीं और रन से यहाँ पर 0 पे आउट हो गए। अभी देखो इनका ना सिलेक्शन काफ़ी कम होने वाला है, काफ़ी अच्छा प्लेयर यहाँ पर, पिछली बार कई मैच के अंदर इन्होंने विकेट भी निकाले थे। हालांकि बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग यानी कि ओपनिंग करेगा नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ओवर्स वगैरह करवा सकता है, तो चाहो तो ले सकते हैं। अतुलजीत एम अनु सेफ रहेंगे, यहाँ से आपको ये टॉप में खेलता हुआ दिखेगा, हर मैच के ऐसे टॉप में बैटिंग करेगा। इसके साथ अक्षय मनोहर की बात की जाए तो पिछली बार यहाँ से वीडियो टीम में हमारे वाइस कैप्टन थे और आप लोग इनको कर सकते हैं बैटिंग से, और देखो 4 ओवर्स की गेंदबाजी भी करवाई थी, तो पक्का कर सकते हैं आप लोग इनको कप्तान वाइस कैप्टन, कप्तान भी कर सकते हो इस मैच के लिए खास। यहाँ पर सचिन PS विकेटकीपर बल्लेबाज है, 13 रन किए लास्ट मैच के अंदर, खेले या 4th नंबर पर है, इनके बारे में अभी होल्ड रहेगा, मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि किन को लेना है, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस देख लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग बात करेंगे सचिन PS की। और बाकी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। अनस नजीर की बात की जाए तो ये मिडल्स में खेले, हालांकि ये खेलने चाहिए थे ओपनिंग या तो 1 डाउन में, ओपनिंग या तो 3rd नंबर पर खेलने चाहिए थे, हो सकता है अगले मैच के अंदर खेल ले ऊपर से, लेकिन लास्ट मैच के 5वें नंबर पर खेलते हुए 8 रन की, बाकी पिछली बार इन्होंने कुछ अच्छी बारियां जरूर खेली थी। Sharon SS ने 35 रन किए। अभी देखो ये भाई साहब भी यहाँ पर 6ठे नंबर पर खेले और ये भी यहाँ पर 3रे या 4थे नंबर पर खेलते हैं, खास इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, अनंत नजीर और Sharon SS ये कभी भी यहाँ पर बैटिंग से ऊपर आ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर AG Amal की बात की जाए तो 44 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए विकेट ले रहे थे, बाकी इनका मिला जुला परफॉर्मेंस रहेगा, कभी कभार यहाँ पर पूरी ओवर्स नहीं करवाते, कभी कभार करवाते हैं और विकेट से भी ठीक ठाक रहेंगे, नीचे खेले काफ़ी इसके बावजूद इन्होंने 44 किए थे, ताओ तो रिस्क ले सकते हैं। बाकी हमारा यहाँ पर जो भरोसा था यहाँ पर आसिक मोहम्मद के ऊपर था, वैसे ये खेलता है 5वें नंबर पर, लास्ट मैच के अंदर न तो इनकी बैटिंग आई न ओवर्स करवाई, ओवरऑल 5 मैच के रिकॉर्ड मिले जहाँ पर करीब 46 के एवरेज से 138 रन है। अभी इनके बारे में कई लोगों ने पिछली मैच के वीडियो में कमेंट किया था कि भाई तू फेक स्टैट्स देता है, भाई एकदम ओरिजिनल है, और जब तक मुझे ओरिजिनल स्टैट्स ना मिले ना तब तक मैं ऐसे वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, ये ओरिजिनल स्टैट्स है। हालांकि ये बात अलग है कि इनको लास्ट मैच के अंदर बैटिंग नहीं मिली, ओवर्स नहीं करवाए। अभी देखो उस कंडीशन में अगर देखने के लिए जाए तो ये दोनों ही यहाँ पर टॉप में खेलने वाला, अनंत नजी तो जो कि यहाँ पर ज़्यादातर ओपनिंग करवाते हैं, इनका नंबर 5वें नंबर पर आया, Sharon SS जो कि 3रे 4थे नंबर पर खेलते हैं इनको 6ठे नंबर पर भेजा गया, तो उसी कंडीशन में यहाँ पर आई थिंक हो सकता है इनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया हो, बाकी ये बैटिंग के लिए ऊपर आ सकते हैं, तो इनके ऊपर आप लोग चाहो तो एक बार फिर से रिस्क ले सकते हैं। वैसे ये बंदा लास्ट मैच में भी हमारे टीम का हिस्सा था, अंशा देश ने लास्ट मैच में एक विकेट निकाला था और ये पावर प्ले में और डेथ में दोनों में गेंदबाजी किए थे, चाहो तो भरोसा कर सकते हैं। बाकी अजय घोष NS वेरी इंपॉर्टेंट पिक, अश्वथ एस शंकर वेरी इंपॉर्टेंट और Vinil TS, इन तीनों में से किसी को ड्रॉप नहीं करना है यहाँ पर, अजय घोष, अश्वथ एस शंकर और Vinil TS। इवन अजय घोष को तो बहुत सारी पब्लिक कप्तान वाइस कैप्टन भी करेगी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। स्टार्टिंग में Vinil TS के साथ अंशा देस और डेथ होस में भी ये दोनों ही दिखेंगे, इसके अलावा
बेंच में से कोई भी प्लेयर अवेलेबल रहेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम त्रिचूर की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा एक और चैनल भी है FDC11, जहाँ पर हम लोग क्वालिटी मैचेस कवर करते हैं, जहाँ पर आपको IPL के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ से आपको इंटरनेशनल मैचेस के वीडियो मिलेंगे। तो इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरऑल सारी क्वालिटी मैचेस के वीडियो और इसके साथ साथ यहाँ से आपको हर मैच के अंदर फ्री गिव अवेज मिलेगा। हर वीडियो में 500 रुपये का फ्री गिव अवेज रहता है हर मैच के अंदर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाले वीडियो का आप लोग वेट करो। त्रिचूर ने लास्ट मैच खेला और जीत कर आ रही। ओपनिंग में टीजे आदिदेव और रिया बशीर ने ओपनिंग करवाया था। देखो इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, पर टीजे आदिदेव वेरी इंपॉर्टेंट, ये बंदा लास्ट मैच में भी हमारी टीम का हिस्सा था और हम लोग इनको आगे भी लेके जाएंगे। इसके साथ रिया बशीर को ड्रॉप नहीं करना है। लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 4 रन ही कर पाए, लेकिन ओवरऑल देखो 55-53-20-21 जैसे परफॉर्मेंस पिछली बार रहे थे, तो डेफिनेटली लेके जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर अरुण के जो कि कंसिस्टेंट दिखेंगे आपको, पिछली बार यहाँ पर एक सेंचुरी भी लगाई थी। तो टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्रवन श्रीधर भी दिखेंगे। तो टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर देखो टीजे आदिदेव इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर सारे के सारे मुझे तो इंपॉर्टेंस लग रहे हैं। हमने लास्ट मैच के अंदर पवन श्रीधर को ड्रॉप किया था विकेट कीपिंग सेक्शन से, आप लोग चाहो तो इनको भी ले सकते हैं। उज्ज्वल कृष्णा की बात की जाए तो लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 2 रन ही कर पाए, बाकी जहाँ पर इनको मौका मिलेगा वहाँ पर रन से करके देंगे आपको। विनोद कुमार सीवी, ये भाई साहब ने लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए अवधिया पैदा की थी, ये हमारे विलन रहे लास्ट मैच के अंदर, हमने इनको नहीं लिया। इन्होंने 20 रन किए, 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाली, ओवरऑल 15 मैच के अंदर 12 विकेट। बैटिंग से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, लेकिन लास्ट मैच के इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद आगे बात करते हैं सराफुद्दीन एनम, जो कि डिफॉल्ट कप्तान की चॉइस है, लास्ट मैच में भी हमारी टीम के कप्तान थे और हम लोग भी इनको आगे भी करेंगे। इसके साथ आपको किरण शाकर मोहन दिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंस रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ मैचेस के स्टैट्स देख सकते हैं। कृष्णा आदित्य को आप लोग डिफरेंशियल में ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर अर्जुन वेणुगोपाल ने 4 विकेट निकाली थी, देखो अभी के लिए मैं इनको भी यहाँ पर रिस्क ही मानता हूँ, आप लोग चाहो तो इनको ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने 4 विकेट निकाली थी तो ये सबसे सेफ रहेगा। लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पर इनके साथ जा रहा है सिबिन पी गिरीश, जो कि पिछली बार यहाँ पर काफ़ी अच्छा एडवांटेज दिए थे, हर मैच के अंदर विकेट भी निकाले थे, इवन बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिबिन पी गिरीश को सजेस्ट करूँगा। स्टार्टिंग में वी कुमार SNM और डेथ होस में भी ये दोनों दिखेंगे। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर अवेलेबल रहेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। यहाँ पर आतिब बिन अल्ताफ अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। अभी के लिए देखते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम क्या हो सकती है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर लेके जा सकते हैं और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से श्रीधर को ले, पवन श्रीधर को आप लोग यहाँ पर, सचिन PS को भी ले सकते हैं। इसके साथ बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो पर TJ आदिदेव इनके साथ यहाँ पर AM अनु और R बशीर हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा ऐसे नज़ीर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप लोग, लास्ट मैच के ना सब्सटीट्यूट में था लेकिन ऊपर आ सकते हैं, ऐसे अलावा ऐसे शेरोन SS है। इसके अलावा ऐसे ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो पर सराफुद्दीन NM है, इनके साथ यहाँ पर SP गिरीश है, इनके साथ यहाँ पर A मनोहर है और अजय घोष NS हमारी टीम में रहेंगे। यहाँ पर आप लोग R शर्मा को ले सकते हैं, ये अमल थोड़े से यहाँ पर इसकी टाइप के रहेंगे। इसके साथ हम लोग बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर AS शंकर हैं, इनके साथ यहाँ पर वी कुमार CV और TS विनिल TS जो बोलते हैं ना इनको लिया है। यहाँ पर आप लोग K सागर मोहन या फिर यहाँ पर अंसज S को भी ले सकते हैं। वेणुगोपाल ने लास्ट मैच के लिए 4 विकेट निकाली थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, हर बंदे के पास रहेगा। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हमारे यहाँ पर वही रहेंगे सराफुद्दीन NM और वाइस कैप्टन ने मैंने यहाँ पर अक्षय मनोहर को किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा रिस्क है लेकिन अजय घोष के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ये बंदा हर मैच के नज़र से आपको बल्क में विकेट निकाल के दे सकता है। बाकी तो हमारी टीम कुछ इस तरह से रहेगी। इसमें हालांकि लाइनअप के बाद अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो अगर कोई चेंजेस रहता तो उसकी आखिरी अपडेट के साथ या से आखिरी हमारी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो टीम वगैरह रहेगी वो सारा कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। और टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही में यहाँ पर टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। इसके अलावा मैंने आपको जो कि शुरुआत में बताया FDC11 चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उसका भी लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ना वहाँ पर बेनिफिट वही है कि हर मैच के ऐसे आपको 500 रुपये का फ्री गिव अवे मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।